नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चार खनिज ब्लॉक से बिहार में खुलेंगे रोजगार के द्वार। कृषि क्षेत्र बिहार को अग्रणी बनाने में अग्रसर दिखी सरकार। पटना पहुंचने के साथ ही रामनाथ कोविंद आज इन कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिला प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में मिली बड़ी राहत। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वार्म अप मैच में टीम इंडिया को मिली शानदार जीत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के। श्री कृष्ण सिन्हा भारतीय राज्य बिहार 1946 से 61 के पहले मुख्यमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि को छोड़कर सिन्हा 1937 में पहले कांग्रेस मंत्रालय के समय से लेकर 1961 में अपनी जान गंवाने तक बिहार के मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रवादी राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ सिंह को आधुनिक बिहार के वास्तुकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने वैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों के प्रवेश का नेतृत्व किया, जो दलितों के उत्थान और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ब्रिटिश भारत में कुल लगभग 8 वर्षों की कारावास की विभिन्न अवधियों को भी भोगा था। नेशनल फर्टिलाइजर्स में निकली 183 सरकारी नौकरियां। नेशनल फर्टिलाइजर्स में 183 पद पर आवेदन की मांग की गई है। कंपनी की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 3, अटेंडेंट ग्रेड 1, मैकेनिकल फिटर और इलेक्ट्रिकल और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार NFL की आधिकारिक वेबसाइट nationalfertilizers.com पर उपलब्ध कराए जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 10 नवंबर तक जारी रहेगी। पटना पहुंचने के साथ ही रामनाथ कोविंद आज इन कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीते दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजधानी पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सीएम नीतीश और राज्यपाल फागू चौहान ने किया। वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया गया था। इसी के साथ आज राष्ट्रपति राजभवन से सीधे बिहार विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। इस दौरान वो विधानसभा परिसर में बनाए जाने वाले शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही परिसर में बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा के दो देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। घटनाओं के बीच चौथे चरण का मतदान हुआ संपन्न। बीते दिन चौथे चरण के पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया गया था, जो कि छिटपुट घटनाओं के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। हालांकि बिहार के कई जिलों में हो रही बारिश के कारण चुनाव में खलल आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मतदाताओं ने बारिश में भी अपना उत्साह दिखाया और बारिश के बीच वोट देने मतदान केंद्र पर लगातार आते गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच के पदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से आरंभ हो गया था, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहा। इसमें 799 पंचायतों के लिए 88,137 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटी और ईवीएम में बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश को मिले एयरपोर्ट से बिहार को होगा फायदा। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर प्रदेश वासियों को बड़ा फायदा तो मिलने वाला है ही, साथ ही बिहार के 5 जिलों को भी इसका फायदा मिलेगा, जिसके तहत बिहार के गोपालगंज, सिवान, छपरा, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोग इसका लाभ अब उठा पाएंगे। आपको बता दें, बिहार में कुल 3 एयरपोर्ट है, जिनमें पटना, गया और दरभंगा शामिल है। ऐसे में अब गोपालगंज, सिवान, छपरा, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोग अब कुशीनगर एयरपोर्ट से भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन होने से बिहार के इन जिलों में रहने वाले लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। ऐसे मिलेगा पंचायती राज योजनाओं का लाभ। बिहार सरकार ने अब आम लोगों को पंचायती राज योजनाओं का लाभ देने की पहल की है, जिसके तहत पंचायती राज विभाग द्वारा नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पंचायती राज विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के समापन के बाद अगले साल मार्च महीने तक पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होने वाले 2 लाख से अधिक प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशिक्षण में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, स्वच्छता अभियान, शराबबंदी, बाल विवाह समेत अन्य चीजों के साथ उनके कर्तव्य और दायित्वों की जानकारी दी जाएगी। चार खनिज ब्लॉक से बिहार में खुलेंगे रोजगार के द्वार। बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है। ऐसे में बिहार सरकार की यही कोशिश है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुल जाए। हालांकि आने वाले समय में शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने हाल ही में बताया है कि बिहार में माइनिंग के क्षेत्र में बहुत जल्द
क्रांति आने वाली है, जिससे कि रोजगार के अवसर उत्पन्न होने वाले हैं। इसको लेकर विभागीय मंत्री जनक राम ने बताया कि भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले दिनों देश के सभी खान एवं भूतत्व मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जहां बिहार के 4 ब्लॉक की चर्चा की गई। कृषि क्षेत्र में बिहार को अग्रणी बनाने में अग्रसर दिखी सरकार। बिहार को कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प बिहार सरकार ले चुकी है। यही कारण है कि बिहार सरकार अब इसको लेकर जल्द ही बिहार भर में महाअभियान चलाने जा रही है। इससे न सिर्फ आने वाले समय में किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उपज में भी वृद्धि की जा रही है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अक्टूबर को इसकी शुरुआत करेंगे। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यह महाअभियान राज्य की कृषि व्यवस्था को एक नई राह देने में सक्षम होगा। ज्ञात हो, इस महाअभियान के तहत कुल 45.10 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती और 153.35 लाख मीट्रिक टन अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पटना हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। पटना हाईकोर्ट में नवनियुक्त 7 न्यायमूर्तियों ने बीते दिन शपथ ग्रहण कर लिया है। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल ने इन्हें शपथ दिलवाई। अधिकारीगण समेत अन्य अतिथि भी वहां मौजूद रहे। इसी के साथ पटना हाईकोर्ट में अब तक कुल जजों की संख्या 26 हो गई है। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस राजन गुप्ता, कर्नाटक हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस पीवी वज्रनाथी और केरल हाईकोर्ट से स्थानांतरित जज जस्टिस एएम बदर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर आज भी जारी है अलर्ट। मॉनसून की विदाई के बाद भी बिहार में अच्छी बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ तापमान में गिरावट आई है, वहीं धान के किसानों पर ये कहर बरपा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक एक कम दबाव का क्षेत्र पूरे बिहार के ऊपर बना है, जिसके प्रभाव से कई हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो सूबे के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व जिले के एक या दो स्थानों पर बिजली चमकने के साथ मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल आदि जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी सुबह में राजधानी पटना समेत कई जगहों पर बारिश देखने को मिली थी। बिहार के वैशाली जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। वैशाली एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो कभी लिच्छवी शासक की राजधानी थी। वैशाली ने अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्धि अर्जित की है। ऐसा माना जाता है कि महावीर का जन्म और पालन पोषण 6 शताब्दी ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हुआ था। अवशेष स्तूप, कुटागार शाला विहार, राजाभिषेक टैंक, विश्व शांति शिवालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय, बावन पोखर मंदिर, कुंडलपुर, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्रों में से एक है। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद जल्द होगी 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव जारी है, जो कि 12 दिसंबर तक जारी रहने वाली है। वहीं पंचायत चुनाव के बाद 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज विभाग के संविदा आधारित नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद वित्त विभाग और फिर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कार्यपालक सहायक का चयन किया जाएगा। सभी 8067 ग्राम पंचायतों में 2-2 कार्यपालक सहायक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में ग्राम पंचायतों में 1-1 कार्यपालक सहायक कार्यरत है। आपको बता दें, वर्तमान में लगभग 7700 कार्यपालक सहायक कार्यरत है। टीम में कैमूर की अंकिता का हुआ चयन। बिहार हॉकी टीम का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें कैमूर की अंकिता ने अपना परचम लहराया है और टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है, जिसके बाद अब अंकिता जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में बिहार की तरफ से खेलने वाली है, जो कि झारखंड के सिमडेगा में आयोजित हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भभुआ वार्ड नंबर 15 निवासी हीरालाल चौधरी और लीला देवी की पुत्री अंकिता कुमारी का चयन बिहार की टीम में डिफेंडर के रूप में किया गया है। इसको लेकर 3 और 4 अक्टूबर को पूर्णिया में चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार के सभी महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बेमौसम बरसात से एक बार फिर बढ़ी नदियों का जलस्तर। बेमौसम बरसात के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल की तरफ से छोड़े गए पानी के कारण नदी का जलस्तर 2,79,150 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। यह जलस्तर इस साल का सर्वाधिक जलस्तर माना जा रहा है। आपको बता दें, अक्टूबर महीने में 1968 के बाद पहली बार इतनी अधिक पानी कोसी नदी में आई है। प्रशासन की नजर अब कोसी के बढ़ते जलस्तर पर है। अगर कोसी का डिस्चार्ज 3 लाख के पार हो जाता है तो प्रशासन की तरफ से लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से लोगों के रेस्क्यू के लिए नाव की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। सभी सीओ तटबंध के भीतर बसे लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट का डमी एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार बोर्ड ने बीते दिन इंटरमीडिएट का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसके तहत अब छात्र अपने डमी एडमिट कार्ड में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, इसके लिए अभ्यर्थियों के पास केवल 25 अक्टूबर तक का ही समय है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज और उच्च
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रचारकों अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से समिति की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर लॉगिन करने के बाद डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसे सभी छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने का निर्देश प्राचार्यों को समिति द्वारा दिया गया है, जिसके बाद ही छात्र छात्राएं डमी एडमिट कार्ड में अंकित सभी तथ्यों का मिलान करेंगे। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वार्म अप मैच में आसानी से जीती टीम इंडिया। बीते दिन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्ड कप को लेकर वार्म अप मैच का आयोजन करवाया गया था, जिसमें भारतीय टीम ने आसान और शानदार जीत दर्ज की है। बीते दिन खेले गए मुकाबले में जहां भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 152 रनों पर रोक दिया, वहीं बल्लेबाजी के क्रम में भारतीय टीम ने शानदार पारी खेली। भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और केएल राहुल ने टीम को शानदार शुरुआत दी, जहां रोहित शर्मा ने बीते दिन अपनी अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने 39 रनों की पारी खेली। वहीं रोहित शर्मा ने रिटायर्ड होकर 41 गेंदों में शानदार 60 रन बनाए और इसके बाद टीम ने आसान जीत अपने नाम दर्ज की। रांची पटना एसी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनों को हमेशा के लिए किया गया बंद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची पटना एसी एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनों को बीते दिन से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इनमें झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की ज्यादातर महत्वपूर्ण ट्रेनों के नाम शामिल है। इसके साथ ही धनबाद रेल मंडल के कोडरमा, हजारीबाग टाउन और बरकाकाना होकर चलने वाली रांची पटना एसी एक्सप्रेस भी रद्द होने वाली ट्रेनों की लिस्ट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, रांची और पटना की इकलौती ट्रेन जिसे कोरोना काल में बंद किया गया था, वो भी स्थायी रूप से पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने शुरू की छठ की तैयारी, 6 नवंबर तक घाट बनकर हो जाएंगे तैयार। छठ महापर्व को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, साथ ही बिहारवासियों में पर्व को लेकर अभी से ही उत्साह देखने को मिलने लगा है। इसी बीच लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझते हुए पटना नगर निगम ने अभी से ही छठ की तैयारियों को शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही निगम ने अभी से लेकर 6 नवंबर तक 93 घाटों को छठ के लिहाज से तैयार करने का लक्ष्य तय कर लिया है, जिसके बाद 7 नवंबर को छठ व्रतियों को घाट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पटना नगर निगम की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार घाटों की सफाई 3 चरण में पूरी करनी है, साथ ही प्रत्येक घाट के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को नो टॉलरेंस एरिया घोषित किया जाएगा। यादव को ललन सिंह ने ढोंग नहीं करने की दी नसीहत। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, ऐसे में राजद और जदयू के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पिछले दिनों तारापुर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मछली पकड़ते दिखाई दिए थे, जिसके बाद बिहार में राजनीति शुरू हो गई थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पढ़ाई में कक्षा छोड़कर 9वीं फेल रहे, वैसे ही जनता से मुंह चुराकर मछली पकड़ने का नाटक राजनीतिक अविश्वास सिद्ध होगा। 2020 में सरेआम मत्स्यजीवी समाज के नेता और वर्तमान कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी जी की बेइज्जती सबको याद है। ढोंग मत करिए, प्रवासी बाबू लोग जागरूक हैं। हर हाथ पर्चा अभियान के तहत घर घर पहुंचाने की शुरू हुई पहल। दरभंगा के कुशेश्वर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए अपनी रणनीति के साथ काम कर रहा है। एनडीए प्रत्याशी अमन भूषण हजारीका जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। वहीं एनडीए के ही वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक इत्यादि सब घर और हर घर जाकर के वोटर तक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारों और कार्यों को पहुंचाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच एनडीए के हर हाथ पर्चा अभियान की खूब चर्चा हो रही है। इस अभियान के तहत एनडीए परिवार अमन भूषण हजारी की एक चिट्ठी कुशेश्वर स्थान के हर मतदाता तक पहुंचाने की पहल शुरू कर चुका है। कुशेश्वर स्थान में खूब पसीना बहा रहे हैं चिराग। अपनी पार्टी की खोई हुई अलख को जगाने में लगे चिराग पासवान आगामी बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले पहली बार अपना उम्मीदवार उतारने वाले चिराग पासवान इन दिनों विधानसभा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान में है। चिराग की मेहनत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुशेश्वर स्थान में लगातार बारिश के बीच चिराग पासवान का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। वहीं बीते दिन भी उन्होंने कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। ज्ञात हो चिराग पासवान के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष अभिलाषा पांडे और शाहनवाज अहमद कैफी भी इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छात्रों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास अब निजी स्कूल में पढ़ रही छात्राएं भी अपनी शिकायत रख सकती हैं। इसको लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से छात्र या छात्रा जब चाहे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसको लेकर खास पहल की गई है। इतना ही नहीं, छात्राओं को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा टेली काउंसलिंग भी
की जाएगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 7827170170 भी जारी किया गया है। इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग पर शिकायत करने के पहले विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा खुद ही संपर्क किया जाएगा। CBSE की माने तो आए दिन छात्राएं साइबर क्राइम में फंस रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह खास पहल की गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दिल्ली की गद्दी आज के दिन से संभाली थी। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना 1577 में आज के दिन की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1934 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में आज के दिन से की थी। जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में आज के दिन हुई थी। चीन और भारत की सेनाओं में 1959 को भिड़ंत आज के दिन हुई थी। फिल्म निर्माता BR चोपड़ा को 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आज के दिन नवाजा गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सिंह का जन्म 1887 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शमी कपूर का जन्म 1931 में आज के दिन हुआ था। भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का निधन 2012 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,630 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,860 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,200 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 109.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल 101.21 रुपए प्रति लीटर था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जीबज पासवान, मनीष मोहरा, सतीश आजाद, मनीष कुमार, नंदलाल ट्रिक, साजिद शेख, कुश कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार, फौजी साहब जी, रौनक प्रवीण, अमन कुमार, संगीता कुमारी, गुलशन कुमार, विकास कुमार, विजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के अब तक के सबसे सफल मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।